हेलो दोस्तों, टुडेज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भरवा मिर्च का अचार। जी हाँ, मौसम है मिर्च का अचार बनाने का, तो भाई चलिए मैं क्यों पीछे रहूँ। मैंने सोचा मैं जैसे बनाती हूँ मेरा अचार सालों साल खराब नहीं होता, तो मैं ये सीक्रेट आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिया है लाल मिर्च कम से कम 2 किलो के आसपास, क्योंकि मुझे भाई साल भर इसे रखना है। और फिर इसे मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। ये जरूर देख लीजिएगा कोई भी मिर्च खराब ना हो, और इसे अच्छे से पानी से धोकर पोंछकर रख लीजिएगा। और फिर मैंने यहाँ पे मिर्च को थोड़ी देर के लिए धूप में फैला दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20-25 मिनट के लिए, ताकि जो मैंने पानी से धुला है वो सूख जाए पानी, और थोड़ा सा मिर्च जो है अपना जो पानी है वो भी अलछा जाए उसमें। तो ये देखिए मिर्च को मैंने सुखा लिया है। ये देखिए मेरी मिर्च पानी सूखने के बाद भी बिल्कुल ऐठी गैठी नहीं है, बिल्कुल अच्छी है। अब मैं इसके ऊपर की जो ये डंडी है इसे तोड़ दूंगी, इसे ज़रूर तोड़ दीजिएगा। और फिर इसमें लगाऊंगी चीरा। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से बढ़िया सा चीरा लगा दिया है मैंने। और फिर इस तरीके से मैं अपनी सारी मिर्चों में बढ़िया सा चीरा लगा दूंगी। मिर्च की डंडी तोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है, वरना मिर्च यहीं से ख़राब होना शुरू हो जाती है। मसाले में मैंने लिया है 250 ग्राम खड़ी धनिया और 100 ग्राम सौंफ, और फिर मैंने यहाँ पर 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम मेथी और 25 ग्राम कलौंजी ली है। तो ये मेरा 2 किलो मिर्च का हिसाब है मसाले का। और इन सबको मैं अच्छे से भून लूँगी, बहुत ही धीमी धीमी आंच पर भूनना है। धनिया और सौंफ को मैं अलग अलग भून कर पीस लूँगी। ये देखिए धनिया हमें धीमी आंच पर भूनना है, और मैंने इसे मिक्सी में डालकर मोटा दरदरा पीस लिया है। बहुत महीन हमें नहीं पीसना है कोई भी मसाला। तो ये देखिए धनिया हमारी बिल्कुल पिसकर तैयार है, और अब मैंने सौंफ को भी डालकर धीमी आंच पर भून लिया है, और इसे भी मैं अलग डालकर मोटा दरदरा पीस लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और फिर मैंने जो जीरा, कलौंजी, सौंफ, अजवाइन और मेथी है, इन सबको भी भूनकर एक साथ पीस लिया है। तो ये देखिए मसाले हमारे यहाँ पर सब अच्छे से पिस कर तैयार हो गए हैं। जब हमारे सारे मसाले अच्छे से पिस जाएंगे, ये देखिए धनिया, सौंफ, और तो फिर मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी पीली राई, ये देखिए इस तरीके से। और इसे मैं मोटा बस एक बार मिक्सी में घुमा दूँगी, ताकि इसकी दाल जैसी ये बन जाए। तो ये देखिए राई हमारी पिसकर तैयार हो गई है। और फिर मैंने लिया है नमक, नमक में मैंने डाली है हींग, और हींग डालकर इसको भी एक बार मैं घुमा दूंगी मिक्सी में, तो क्या होगा कि हींग हमारी अच्छे से नमक में मिल जाएगी। और अब हम मैंने सारे मसालों को एक थाली में निकाल लिया है, धनिया, सौंफ और कलौंजी, अजवाइन, जीरा, ये सब मसाले मैं एक साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ये हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गया है, और राई भी मैं इसमें डालकर मिक्स कर लूँगी जो मैंने दाल की तरह बना ली थी। इसी से हमारा अचार थोड़ा खट्टा होगा। और फिर मैंने यहाँ पर मिलाया है ये नमक जो मैंने हींग के साथ पीसा था, और फिर इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पर पिसी खटाई डाली है। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला है वाइट विनेगर, इससे हमारा अचार सालों साल ख़राब नहीं होता है। और फिर इसमें मैंने डाला है करीब 200 ग्राम सरसों का तेल, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स होने के बाद हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, और हमारे मिर्च भी रेडी हो गए हैं। तो फिर देर किस बात की, तो चलिए अब भरते हैं। मिर्च को मैंने पहले ही फाड़ लिया था, और अब हम इस मसाले को इसमें दबा दबा कर अच्छे से भर लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से दबा कर भरिएगा, और जो इस तरह एक्स्ट्रा होगा उसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मसाला मिर्च में बिल्कुल भर रहा है अच्छे से। और एक और मैं आपको इस तरह देखिए भर कर दिखा दे रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अगर हमारे मिर्च बहुत बड़े हैं आपके, तो आप इन्हें बीच से कट भी कर सकते हैं, तो खाने में भी आसान रहेगा और हमारा मिर्च
वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये देखिए, ये मिर्च मेरा बहुत बड़ा था तो मैंने इसको बीच से कट कर लिया है चाकू से। ये देखिए, हमारा मिर्च बिल्कुल अच्छे से कट गया है। और अब हम इसी तरह अपने सारे मिर्च को भर लेंगे और जो बड़े होंगे उन्हें इसी तरह अच्छे से कट कर लेंगे। और फिर मैंने लिया है एक बाउल में सरसों का ऑयल, और उस ऑयल में इन्हीं मिर्च को ऐसे डुबो डुबो कर हमें अपने जार में भरते जाना है जिसमें हम अचार रखेंगे। इसी तरह मैं अपने सारे मिर्च को भर कर और सरसों के तेल में डुबो कर जार में भरती चली जाऊंगी। इस तरह मैंने अपने सारे मिर्च के अचारों को भर लिया है और बस 2-3 दिन मैं इसे धूप में रख दूंगी और मेरा टेस्टी सा अचार तैयार हो जाएगा जो सालों साल चलेगा। इसे आप गर्मियों में दाल चावल के साथ खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर जरूर करें। ओके बाय।